नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है नवंबर 2015 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह बुध ग्रह के बारे में, जो 16 नवंबर तक चलते हैं धन स्थान के अंदर और 17 नवंबर से चलेंगे पराक्रम स्थान में, जो आपके लिए बहुत शुभ है, साहस में वृद्धि करने वाले हैं और धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, जो चलेंगे 16 नवंबर तक धन स्थान के अंदर। खास करके वाणी में संयम रखना पड़ेगा कुटुंब के अंदर, और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में, जो आपके साहस में वृद्धि करने वाले रहेंगे। बात करेंगे गोचर ट्रांजिट राहु मंगल और शुक्र चलेंगे आपके राशि के अंदर, जो आपके साहस में तो वृद्धि करने वाले हैं, हालांकि लक्ष्मी योग में भी वृद्धि करने वाले हैं। खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको विशेष केयर करना पड़ेगा इस मंथ के दौरान। डेट सबको केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है 23, 24 और 25, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में। मेष के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। और डेट सबको केयर करना है 5 और 6, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में। सिंह के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में भी कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। यदि आपके कोई मित्र हैं कन्या राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, कॉमेंट्स करें चैनल पर, कॉमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।